गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी सेकंड ईयर का नेक्स्ट टॉपिक लेंगे ब्रैंकियोस्टोमा का नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो तंत्रिका तंत्र है उसमें क्या होता है, इसमें ब्रेन अनुपस्थित होता है, मस्तिष्क एब्सेंट। मेन इसका यही है कि मस्तिष्क एब्सेंट, अनुपस्थित। तो ब्रेन एब्सेंट होता है और जो वो नोटोकॉर्ड है वो ब्रेन से भी आगे तक निकली भी रहती है, इसलिए इसको इसमें ब्रेन तो अनुपस्थित और नोटोकॉर्ड ब्रेन से भी आगे तक निकली भी रहती है। और इसका जो नर्वस सिस्टम है वह सिंपल प्रकार का, कैसा है, सरल प्रकार का। तो इसमें जो है नर्व कॉर्ड है जिसे मध्य पृष्ठ तंत्रिका रज्जु कहते हैं, मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड, जो नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर व्यवस्थित होते हैं। इसमें क्या उपस्थित है, मिड डॉर्सल नर्व कॉर्ड मध्य पृष्ठ तंत्रिका रज्जु, ये नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर उपस्थित रहती है, नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर उपस्थित। तो इसमें मेन तो यही है कि ब्रेन एब्सेंट होता है, सरल प्रकार का है, और एक मध्य पृष्ठ तंत्रिका रज्जु होती है जो नोटोकॉर्ड के ठीक ऊपर उपस्थित होती है, और इसके अग्रशिरा है वह मस्तिष्क को नहीं दर्शाता है। तो अग्रशिरा फुलावा, इसका तंत्रिका रज्जु का अग्रशिरा फुलावा नहीं होता है और वह मस्तिष्क को नहीं दिखाता है। परंतु ये आप इधर देख लीजिए कि ये जो है सेंट्रल कैनाल, इसका अग्रशिरा फुलावा है, ये सेंट्रल कैनाल है आपका, इसका अग्रशिरा फुलावा है। तो ये जो अग्रशिरा है इसे क्या कहेंगे हम, सेरिब्रल वेसिकल। तो ये सेंट्रल कैनाल का अग्रशिरा फुलावा होता है जिसे सेरिब्रल कैनाल वेसिकल कहते हैं, और इसके आगे क्या होता है, सिफेलिक आई स्पॉट उपस्थित होता है, तथा इसमें से मुख की ओर एक जोड़ी संवेदी तंत्रिकाएं निकलती है, अग्रशिरे की ओर निकलती है, ओरल सिरे तक जाती है, एक जोड़ी संवेदी तंत्रिकाएं अग्रशिरे की ओर ओरल सिरे तक जाती है। तथा इसमें क्या है, 3 लेटरल ऑसिली उपस्थित होते हैं, परंतु ये अग्रशिरा आगे क्या करता है, आगे ये अंधनाल रूपी संरचना बनाता है जिसे क्या कहते हैं, पृष्ठ अंधनाल, अंधवर्ध बनाता है। तो सेरिब्रल वेसिकल आगे किससे कंटिन्यू हो रहा है, पृष्ठ अंधवर्ध से, सेरिब्रल वेसिकल आगे पृष्ठ अंधवर्ध, बनाता है। और यह इसमें एक छिद्र भी उपस्थित होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूरोपोर के द्वारा ये खुलता है, परंतु बाद में ये जो न्यूरोपोर है नुमा छिद्र है वह बंद हो जाता है। और इसमें फिर क्या है, एक और संरचना मौजूद है, शेष जो तंत्रिका तंत्र है शेष वह क्या है, मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड दो पार्ट में डिवाइड है, व्हाइट मैटर व ग्रे मैटर।
तो जो इनर सेल लेयर है वह तो ग्रे मैटर की है और वहां यह संरचना आउटर फाइब्रस लेयर व्हाइट मैटर की है। इसमें क्या मौजूद है? मेरु रज्जु स्पाइनल कॉर्ड जो दो में डिवाइड है, इनर ग्रे मैटर और दूसरा क्या है? आउटर फाइब्रस व्हाइट मैटर। तो ये इसके जो ब्रैंकियोस्टोमा का नर्वस सिस्टम है, ये सरल प्रकार का इसका डिफाइन है पूरा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो जोड़ी जो तंत्रिका रज्जु है उससे पेयर नर्व्स निकलती हैं, युग्मित पेयर नर्व्स जिन्हें परिधीय तंत्र कहते हैं। तो इसके जो इसमें से क्या निकलेगी? प्रमस्तिष्क से युग्मित नर्व्स निकलती है, पेयर नर्व्स निकलती हैं। और ये जो प्रमस्तिष्क से युग्मित नर्व्स निकलती है जिन्हें क्या कहते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इसमें जो सेरिब्रल जो आगे वाला प्रमस्तिष्क है उससे निकलने वाली जो नर्व्स है उसको तो सेरिब्रल नर्व्स कहेंगे, और जो रीड रज्जु से स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स है उसे स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो सेरिब्रल से निकलने वाली नर्व्स को सेरिब्रल वेसाइकल से निकलने वाली नर्व्स को सेरिब्रल नर्व्स कहते हैं तथा रीड रज्जु से निकलने वाली नर्व्स को क्या कहेंगे? नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहेंगे, क्योंकि किससे निकल रही है? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। तो सेरिब्रल वेसिकल से निकलने वाली को सेरिब्रल नर्व्स कहेंगे, और ये प्रमस्तिष्क या तंत्रिका रज्जु से पेयर नर्व्स निकलती है, तंत्रिका रज्जु से युग्मित नर्व्स निकलती है जिन्हें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं, और सेरिब्रल वेसिकल से निकलने वाली नर्व्स को सेरिब्रल नर्व्स, और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स। तो जो ये सेरिब्रल नर्व्स निकलती है इनमें वेंट्रल रूट नहीं होता है, इनमें अधर मूलों का क्या होता है? अभाव होता है। तो सेरिब्रल नर्व्स में अधर मूलों का अभाव होता है, परंतु स्पाइनल नर्व्स में अधर मूल उपस्थित होते हैं। तो सेरिब्रल नर्व्स में अधर मूलों वेंट्रल रूट्स एब्सेंट होती हैं, तथा ये सेरिब्रल है तो आगे की तरफ जाएगी, तो यह ओरल वुड और स्नाउट व सिबक्कल सिराई तक जाती है। कहाँ तक जाती है? ओरल वुड स्नाउट व बक्कल सिरी तक जाती है। कौन सी जाती है? सेरिब्रल
नर्व। ऐसे ही स्पाइनल नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है और यह दो प्रकार की होती है, एक तो संवेदी व अभिवाही सेंसरी और एफरेंट व प्रेरक व अपवाही। स्पाइनल नर्व्स में दो प्रकार की होंगी, या स्पाइनल नर्व्स दो प्रकार की, स्पाइनल नर्व्स दो प्रकार की, पहली है सेंसरी एंड एफरेंट, एफरेंट संवेदी, संवेदी व संवेदी व अभिवाही व मोटर और डिफरेंट, अभिवाही अभिवाही और दूसरी कौन सी है मोटर और इफरेंट, इफरेंट तो इनको कहेंगे अपवाही, प्रेरक व अपवाही, प्रेरक व अपवाही। तो ये मिक्स प्रकार की नहीं होती है ये जो सेंसरी नर्व्स है, तथा ये इसमें अधर व पृष्ठ मूले पाई जाती है, वेंट्रल व डॉर्सल रूट उपस्थित होती है, वेंट्रल व डॉर्सल रूट पृष्ठ व अधर, अधर व पृष्ठ मूले, अधर व पृष्ठ मूल्य क्या है इसमें उपस्थित है, प्रेजेंट है। तो ये इसका पूरा संवेदी प्रकार, तो ये क्या है ये सिंपल प्रकार का नर्वस सिस्टम है और ये अन्य जो कशेरुकियों का तंत्रिका तंत्र है उससे थोड़ा भिन्न है, और ये आपका मैंने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो अपन लिख लेंगे कि इसमें पहला पॉइंट तो वही हुआ, पहला पॉइंट क्या हुआ सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें मस्तिष्क का अभाव होता है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही हुआ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट ये हुआ मस्तिष्क ब्रेन एब्सेंट, ब्रेन का अभाव, मस्तिष्क इसमें प्रेजेंट नहीं है। दूसरा इसमें रीड रज्जु की गुच्छिकाओं का अभाव होता है, रीड रज्जु में गुच्छिकाओं का अभाव। सेकंड है रीड रज्जु स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड में गुच्छिकाओं गैंग्लियंस, गुच्छिकाओं का अभाव। स्पाइनल कॉर्ड्स में क्या उपस्थित नहीं होंगे, स्पाइनल कॉर्ड्स में गैंग्लिया उपस्थित नहीं होंगे। तीसरा है अनुकंपी गुच्छिकाएं अनुपस्थित होती है, सिंपैथेटिक नर्व एब्सेंट, अनुकंपी गुच्छिकाएं अनुकंपी गुच्छिकाएं सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्व एब्सेंट अनुपस्थित। अनुकंपी गुच्छिकाएं भी अभाव है इसमें और रीढ़ रज्जु में भी गुच्छिकाओं का अभाव है इसमें। तंत्रिका तंत्र से रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के पृष्ठ व अधर मूल पृथक होती है। तो अभी अपन ने देखा दो अलग अलग है वेंट्रल रूट और डॉर्सल रूट, तो वह पृथक होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड से रीढ़ रज्जु से, रीढ़ रज्जु से निकलने वाली गुच्छिकाएं, निकलने वाली अधर व पृष्ठ मूले, अधर व पृष्ठ मूले पृथक होती है, पृथक होती है।
अदर वह पृष्ठ मूल जो रीड रचित अभी अपन ने देखी वह पृथक होती है। नेक्स्ट इसमें पृष्ठ मूल संवेदी एवं प्रेरक दोनों प्रकार की अर्थात मिश्रित होती है। पृष्ठ मूल जो होगी वह दोनों ही होगी, सेंसरी व मोटर। पृष्ठ मूल दोनों प्रकार की सेंसरी व मोटर दोनों होगी, सेंसरी व मोटर संवेदी व प्रेरक। संवेदी व प्रेरक अर्थात मिक्स्ड होती है, अर्थात मिक्स्ड मिश्रित होती। तो ये कुछ एक इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मस्तिष्क का तो इसमें अभाव है, दूसरा रीढ़ रज्जु में गुच्छिकाओं का अभाव होता है, तीसरा अनुकंपी गुच्छिका अनुपस्थित होती है, रीढ़ रज्जु से निकलने वाली अधर व पृष्ठ मूलें पृथक होती हैं, व पृष्ठ मूल दोनों प्रकार की संवेदी व प्रेरक दोनों मिक्स्ड होती है। अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट रह गया है वह थर्ड है जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को और किस नाम से इंग्लिश में अपन कहेंगे, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये कहाँ उपस्थित है, यह आहार नाम घट जो अपना भोजन जहाँ सिक्रीशन होता है घट की अरेखित पेशियां अनस्ट्राइकेड मसल्स आहार नाल के दो तंत्रिका जालक द्वारा नियंत्रित होती है। तो यह क्या बनाती है, यह तंत्रिका जालक क्या बनाता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम सेंट्रल जो है सेंट्रल तंत्र उसके द्वारा यह केंद्रीय तंत्र से यह विसरल नर्व्स के द्वारा जुड़ा रहता है। तो यह स्वायत्त तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा हुआ है, केंद्रीय तंत्र से, केंद्रीय तंत्र से किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, विसरल नर्व्स के द्वारा, विसरल नर्व्स के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है, नर्व्स के द्वारा जुड़ा हुआ। तो यह आपके ब्रैंकियोस्टोमा का नर्वस सिस्टम है पूरा जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया। आपको डायग्राम बनाना है और उसका आउटर स्ट्रक्चर प्लस क्या क्या नर्व्स इसमें पाई जाती है, सेरेब्रल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और ये स्वायत्त ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, तो इसका पूरा आपको डिस्क्रिप्शन देना है और ये डायग्राम आपको बनाना है। थैंक यू।